पुलवामा के शहीद, 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 शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, 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 शहीद अमर रहे, अमर रहे, भाई तिकडे जिथे लो बाइक सारे कुड़िए बाइक एक मिनट वेट करियो बाइक ला लें बस जीर के जी देखिए मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी महानगरी टीम के माध्यम से 14 फरवरी 2019 को जो हमारे 40 जवान शहीद हुए पुलवामा अटैक में, एक आत्मघाती हमला जो है पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किया गया, जिसमें हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हो गए। आज उनकी चौथी बरसी में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हर बार हम 14 फरवरी को इन वीर जवानों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो शहीद हुए, लेकिन कुछ शरारती तत्व, देश विरोधी जो लोग हैं वो आज वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जो पैसा वो वैलेंटाइन डे पे खर्च कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, वो इन वीर सैनिकों के फंड में जो है वो देने का काम करे, सैनिक फंड में उस पैसे को जमा कराने का काम करे, ताकि वो पैसा उन वीर नारियों के काम आ सके जिन्होंने अपने पति खोए हैं, उन माओं के काम आ सके जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, उन बहनों के काम आ सके जिन्होंने अपने भाई खोए हैं, वो देश के काम वो पैसा आ सके। लेकिन ये वैलेंटाइन डे के नाम पर जो है व्यापार का अड्डा पूरे देश के अंदर बना दिया गया, पूरे विश्व से सबसे ज्यादा पैसा जो है वो भारत से इकट्ठा करके विदेशी कंपनियां लेके जाती हैं, भारत को कंगला करने का काम किया जाता है। क्योंकि वैलेंटाइन था कौन, वैलेंटाइन जिसको फांसी दी गई थी, एक वैलेंटाइन एक व्यक्ति है, वो पादरी हुआ करता था और उसको मौत की सजा दी गई थी, उसके नाम पर जो है यह दिन मनाया जाता है। हमारे कल्चर में कहीं भी नहीं है, हम प्रेम विरोधी नहीं है, हमें भगवान कृष्ण ने प्रेम का बड़ा साफ साफ संदेश गीता के अंदर दिया है। प्रेम कई प्रकार का होता है, लेकिन यह अश्लीलता जो है पूरे देश के अंदर जो है परोसी जा रही है इस वैलेंटाइन के माध्यम से, इसको राष्ट्रीय बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और चेतावनी देता हूं उन लोगों को कि जो इस प्रेम का जो है नंगा नाच जो है इस देश के अंदर खेलते हैं, पहले ये एक दिन का बनाया जाता था, अब 14-7 दिन का बनाया जाता है, सीधे सीधे व्यापार को बढ़ाना देने का काम और हमारी करेंसी को यहाँ पर इकट्ठा करके विदेशों में ले जाने का काम इस वैलेंटाइन के माध्यम से किया जाता है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सरकार सीधे सीधे 14 फरवरी को शहीदी दिवस घोषित करे, ताकि इन 40 जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि जो है उस दिन मिल सके। हर सरकारी दफ्तर में हर जगह जो है इन वीर जवानों को जो है वो श्रद्धांजलि दी जा सके, ये मेरी सरकार से मांग है। लेकिन वैलेंटाइन डे ये हम देश की संस्कृति को जो आघात पहुंचा रही है इसको कतई हम देश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधी सीधी चेतावनी हम उन देशद्रोहियों को है जो वेस्टर्न कल्चर को यहाँ प्रमोट करने का काम कर रहे हैं।